दोस्तों, आपने ट्रुथ और डेयर गेम तो बहुत बार खेला होगा, लेकिन ये गेम मौत का खेल किस तरह से बनता है ये आप इस मूवी में जानेंगे। हेलो गाइस, दिस इज प्राची और आज हम बात करने वाले हैं ट्रुथ और डेयर मूवी की, जो कि रिलीज हुई थी 2018 में। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मूवी की स्टार्टिंग ओलिविया नाम की एक लड़की से होती है, जो कि एक यूट्यूबर ब्लॉगर थी और वो अपने दोस्तों के साथ में वेकेशन पे जाती है। वहाँ एक रिजॉर्ट में उसकी दोस्त मार्टी किसी और लड़के के साथ में डांस करने लग जाती है, जहां वो उसे डांटती है क्योंकि गाइस उसका बॉयफ्रेंड लुकस ऑलरेडी वहां पे मौजूद था और वो किसी और के साथ में डांस कर रही थी। जहां रॉनी नाम का एक बंदा आकर ओलिविया के साथ में फ्लर्ट करने लग जाता है और उससे ये काफी अजीब फील हो रहा था। फिर वहां पे चार्टर आता है, जो कि उन्हीं के कॉलेज में पढ़ता था, और वो वहां पे आके ओलिविया की हेल्प करता है, जिससे कि ओलिविया काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। सो अब वो उनके ग्रुप को अपने साथ में और ज्यादा मस्ती करने के लिए एक ऐसे चर्च में लेके जाता है जो काफी ज्यादा पुराना था और अब वो खंडर हो चुका था, जहाँ चर्च में ओलिविया को काला जादू का सामान दिखाई देता है और टूटा हुआ एक बर्तन भी दिखता है, जहाँ चार्टर उन्हें ट्रुथ और डेयर गेम खेलने के लिए कहता है ताकि वो लोग और ज्यादा मस्ती कर सके। जहाँ पे सब लोग रेडी हो जाते हैं और एक सर्किल में आके बैठ जाते हैं। एंड गाइस, यहाँ तक गेम काफी नॉर्मल चल रहा था और लेकिन एंड में जब चार्टर की बारी आती है, सो अब वो ट्रुथ चूज करता है, जहाँ पे ये लोग उससे पूछते हैं कि वो ओलिविया के बारे में क्या सोचता है। जहाँ वो कहता है कि उसे कुछ लोग चाहिए थे जिन्हें की वो फंसा कर यहाँ पर ला सके और उनके साथ में ट्रुथ एंड डेयर गेम खेल सके, क्योंकि ओलिविया काफी आसानी से मान गई थी और वो अपने ग्रुप की लीडर है तो उसके साथ उसके दोस्त भी आते, इसलिए उसने ऐसा किया था। और गाइस, ये ट्रुथ एंड डेयर गेम असली था। यहाँ बारी बारी से सबकी बारी आएगी और अगर उन्होंने गलत आंसर दिया या फिर जो डेयर उन्हें दिया गया है उन्होंने वो पूरा नहीं किया, तो वो सब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। जी हाँ, वो सब मारे जाएंगे। जहाँ कार्टर ये सब कह के वहाँ से भाग जाता है और साथ ही थोड़ी देर बाद सारे दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब ओलिविया अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि पैम्पलेट पे किसी ने ट्रुथ एंड डेयर लिखा था, जहाँ वो उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाती है। और फिर ओलिविया के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड मार्की आती है और उससे अपनी बॉयफ्रेंड लुकस के बारे में पूछती है, जहाँ वो कहती है कि वो उसे अपना भाई समझती है। फिर नेक्स्ट डे जब ओलिविया कॉलेज जा रही होती तो वो देखती है कि उसकी कार पे किसी ने ट्रुथ एंड डेयर लिखा हुआ था, जहाँ उसे लगता है कि ये सब रॉनी ने ही किया होगा, जो रिजॉर्ट में उसके साथ में फ्लर्ट कर रहा था। सो अब वो उसे बहुत डांटती है और वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो लाइब्रेरी में जाती है, गाइस सारे के सारे लोग उसकी तरफ मुड़ने लग जाते हैं और वो बहुत ही क्रीपी सी स्माइल दे रहे थे, साथ ही उसे ट्रुथ एंड डेयर चूज करने के लिए कह रहे थे। जहाँ वो ट्रुथ चूज करती है और फिर वो उससे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो मार्की सबसे छुपा रही है। जहाँ ओलिविया चिल्लाकर कहती है कि मार्की अपने बॉयफ्रेंड लुकस को चीट कर रही है। लुकस भी वहीं पे था, वो सुन लेता है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे रॉनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब उसे वही ट्रुथ और डेयर चूज करने के लिए कहते हैं। और डेयर चूज करने पे जब वो उसे पूरा नहीं कर पाता तो वो सुसाइड कर लेता है और बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। एंड गाइस, वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में ओलिविया और उसके दोस्तों को एक वीडियो के थ्रू रॉनी के सुसाइड की न्यूज मिलती है, जहाँ उन्हें समझ में आ जाता है कि जिस सीक्वेंस में उन्होंने चर्च में गेम खेला था, सो अब उसी सीक्वेंस में उनकी बारी आ रही है और उन्हें वो गेम फिर से खेलना पड़ेगा। जहाँ वो सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी मार्की के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें उसे ट्रुथ और डेयर चूज करना था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि लाइब्रेरी में ओलिविया ने उसका सीक्रेट सबको बता दिया था, जिसकी वजह से अब उसका ब्रेकअप भी हो गया था। और गुस्से में होने की वजह से वो डेयर चूज करती है और उसके डेयर में आता है कि उसे ओलिविया का हाथ तोड़ना पड़ेगा और अगर उसने अपना डेयर कम्प्लीट नहीं किया तो वो मारी जाएगी। सो जहाँ अब ओलिविया खुद उसे हैमर देके अपना हाथ तोड़वा लेती है और उसके बाद लुकस और ब्रेड उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो गाइस, अब ब्रेड का नंबर आता है, जहाँ वो ट्रुथ चूज करता है और उसके डैड के सामने उसे एक सच बताना पड़ता है जिसमें वो कहता है कि वो गे है। सो अब उसके बाद टेलर का नंबर आता है जिसमें वो भी ट्रुथ चूज करता है और जब वो गलत आंसर देता है तो वो मारा जाता है। और बाकी के दोस्त भी डिसाइड करते हैं कि वो अब सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ ही चूज करेंगे और वो सब लोग फेसबुक पे कार्टर को सर्च करने लग जाते हैं, जहाँ उन्हें कार्टर के बारे में ये पता चलता है कि कुछ टाइम पहले उसने किसी का मर्डर किया था। वो लोग उसे एफबी पे धमकी देते हैं कि वो सबको बता देंगे और फिर वो उससे मिलने के लिए अपने पास बुलाते हैं। लेकिन गाइस, तभी पैप्लो अपने की बारी आती है और दो बार ट्रुथ चूज करने पे उन्हें पता चलता है कि अब उन्हें डेयर ही चूज करना पड़ेगा, जहाँ उसे डेयर मिलता है कि उसे छत पे वोडका पीते हुए चलना है। वहाँ उसके दोस्त मैट्रेस रख के उसे बचा लेते हैं एंड फाइनली वो मरने से बच जाती है। फिर वहाँ पे चार्टर की एक दोस्त आती है और वो उन सबको बताती है कि चार्टर को डेयर मिला था
बाकी उसी और लोग ढूंढने हैं और उनके साथ में त्रुतन डेयर गेम खेलना है। वो ओलिविया को मारने की कोशिश करती है ये कहते हुए कि ये उसका डेयर, लेकिन उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं और चार्टर की दोस्त सुसाइड कर लेती है और वही मर जाती है। सो अब गेम में ओलिविया की बारी आती है और उसे डेयर मिलता है कि उसे लूकस के साथ में सोना पड़ेगा, जहाँ पर लूकस और ओलिविया इंटीमेट होते हैं। और उसके बाद में लूकस का टर्न आता है जहाँ पे उसे त्रुत मिलता है और वो ये बताता है कि वो ओलिविया की केयर तो करता है लेकिन वो उसे प्यार नहीं करता। ये सब सुन के उसे काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर लूकस और ओलिविया सच का पता लगाने के लिए चर्च के पास एक हाउस में जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है और उन्हें सच का पता चलता है। एंड गाइस यहाँ पे मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। बहुत साल पहले एक प्रीस्ट ने कुछ लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज किया था ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हुए, जहाँ पर वो ये सब सहती तो रही बट उनमें से एक लड़की ने कहा कि वो एक मंत्र से एक डेविल को बुला सकती है और उसने कैलिक्स नाम के एक डेविल को बुलाया और उसने इस गेम पे आके कब्जा कर लिया। एंड गाइस वो डेविल इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो ह्यूमन ऑब्जेक्ट और उनकी थॉट्स को भी अपने काबू में अच्छे से कर सकता था। सो इस वजह से उस डेविल को पता था कि किसके मन में क्या बात छुपी हुई है। साथ ही उस डेविल ने उसी रात प्रिस्ट को मार कर उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। वो डेविल उन लड़कियों के साथ में गेम खेलता था जिससे काफी सारे लोगों की जान चली गई। सो अब डेविल को कब्जे में लेने का एक ही तरीका था, जिसने शैतान को बुलाया है वो उस चर्च में जाकर ये वाला मंत्र बोल दे और अपनी जीप की कुर्बानी देकर एक बर्तन में डाल दे, जहां ओलिविया को समझ में आ जाता है कि उसे चर्च में जो टूटा हुआ बर्तन मिला था वो बर्तन एक्चुअल में काटर नहीं तोड़ा था और अभी उसे अपनी कुर्बानी देनी होगी। और गाइस उसके बाद ग्रैब की बारी आती है जिसमें उसे डेयर मिलता है कि उसे अपने पापा को गन पॉइंट पर रख कर भीख मंगवानी होगी। सो अब ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है और जब वो ऐसा कर रहा था कि तभी अचानक से पीछे से एक पुलिस ऑफिसर ग्रैब को गोली मार देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। सो गाइस अब इनके पूरे ग्रुप में लूकस, ओलिविया और मार्की ही बचे हुए थे, जहाँ पे अब ओलिविया की टर्न आती है और उसे उस सीक्रेट के बारे में पूछा जाता है जो कि उसने मार्की से छुपाया था। ओलिविया वो सीक्रेट रिवील करती है और कहती है कि बहुत साल पहले एक दिन जब वो मार्की के घर गई थी तो उसके पापा ने उसे सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने उन्हें रोका उन्होंने ओलिविया से माफी मांगते हुए ये कहा कि स्ट्रेस की वजह से उन्होंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है। लेकिन ओलिविया वहाँ उनकी एक नहीं सुनती है और ये कह के वहाँ से चली जाती है कि वो बाहर जाकर सबको सब कुछ बता देगी, और जहाँ इसी बात से डरकर उसके पापा ने सुसाइड कर लिया था। सो अब ये सब सुन के मार्की को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ओलिविया ने बहुत ही चालाकी से पुलिस स्टेशन से कार्टर के घर का एड्रेस निकाल लिया है, जहाँ फिर वो तीनों दोस्त मिलकर उसके घर जाते हैं और वहाँ पहुंचकर कार्टर को समझाते हैं कि वो इस गेम को बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें चर्च आकर एक मंत्र बोलना होगा। जहाँ पहले तो कार्टर उनके साथ जाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग उसे यहाँ पे लेने के लिए आए हैं जो कि उनके डियर का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन गाइस उसके बाद ओलिविया उसे गन पॉइंट पर लेकर चर्च ले जाती है, जहाँ चर्च में ओलिविया रिचुअल स्टार्ट करती है। सो अब वो लोग मंत्र पढ़ ही रहे होते हैं और कार्टर अपनी टंग काट कर दे ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही डेविल लूकस को डेयर करता है कि उसे मार्की और ओलिविया दोनों में से किसी एक को मारना होगा, लेकिन लूकस डेयर पूरा नहीं करता है क्योंकि वो दोनों ही उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। सो अब डेविल लूकस की बॉडी पे कब्जा करके पहले तो कार्टर को रिचुअल पूरा करने से रोकता है, वो उसे मारता है और उसके बाद वो लूकस का भी गला उसी के हाथों ही कटवा कर वो उसे भी मार देता है। सो अब मार्की की बारी आती है और उसे अपना डेयर कम्प्लीट करना था, लेकिन वो अपना डेयर कम्प्लीट नहीं करती है तो इसलिए डेविल उसे पजेस कर लेता है। तो अब ओलिविया डेविल को त्रुतन डेयर गेम खेलने के लिए कहती है, क्योंकि गाइस इस गेम का रूल था कि जिसे भी ये गेम खेलने के लिए कहा जाएगा उसे इसके अकॉर्डिंग गेम को खेलना ही पड़ेगा। जहाँ डेविल ट्रुथ चूज करता है, जहाँ ओलिविया से पूछते हैं कि इस गेम को कैसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों डेविल कहता है कि इसे खत्म करना नामुमकिन है क्योंकि इसे खत्म सिर्फ और सिर्फ कार्टर ही कर सकता था जो कि अब जिंदा नहीं है। सो अब ओलिविया की टर्न आती है और वो उसमें डेयर चूज करती है और मार्की को कहती है कि वो कुछ ऐसा कर सकती है जिससे कि उनकी बारी आने में सालों लग जाएंगे। एंड गाइस वो अपना फोन निकाल कर यूट्यूब पर लाइव
स्काई वॉकर कहती है ट्रूथ और डेयर। सो गाइस यही इस मूवी का दी एंड होता है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि एंड में जो ओलिविया ने किया उससे उसका क्या फायदा होगा। और अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिनका आंसर सही हुआ उनको मैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगी। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो जाए तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।